नमस्कार दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में हमारे पास अच्छी जॉब, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ होता है, फिर भी हमें दिल से लगता है कि लाइफ में कुछ चीज की कमी है। काम तो कर रहे हैं पर वो काम करके जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और कई बार हमारे पास बहुत कम होता है फिर भी हम दिल से खुश रहते हैं और लाइफ के हर पल का आनंद लेते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि लाइफ के हर पल, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, पर वो हर पल में खुश कैसे रह सकते हैं वो जानेंगे। और ये अमेजिंग आइडिया हम हैप्पी फॉर नो रीजन बाय मार्सी शिमॉफ की बुक से जानेंगे। अगर आपकी लाइफ में भी यही सिचुएशंस है कि आप सफल तो है पर दिल से खुशी नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल बनने वाली है, क्योंकि इस बुक में ऑथर ने इनर हैप्पीनेस के 7 हैबिट्स बताए हैं जिसे सीख के आप भी इनर हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को अंत तक देखते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के हैप्पी और अनहैप्पी रीजन होते हैं, जैसे कि अनहैप्पी, हैप्पी फॉर बैड रीजन, हैप्पी फॉर गुड रीजन और हैप्पी फॉर नो रीजन। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट टाइप के सिचुएशंस, जब हम सचमुच अनहैप्पी होते हैं तब हमें कुछ भी काम करने को मन नहीं होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेकेंड टाइप की सिचुएशंस, ज्यादा टाइम टीवी देखना, फेसबुक, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना और टाइम वेस्ट करने में जो हैप्पीनेस मिलती है वो है हैप्पीनेस फॉर बैड रीजन। जब हम हमारे गोल को अचीव करते हैं, जब हम अच्छे रिलेशन में जुड़ते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं, तब हमें जो हैप्पीनेस मिलती है वो है हैप्पीनेस फॉर गुड रीजन। चौथी सिचुएशन, जब हम बिना कोई चीज के मोह में रहे, बिना कुछ भी मिले या ना मिले फिर भी हम लाइफ के हर पल का आनंद लेते हैं, तब जो हैप्पीनेस हमें मिलती है वो है हैप्पीनेस फॉर नो रीजन। और दरअसल हमें भी सच में यही खुशी मिलनी चाहिए जिससे हम लाइफ को अच्छे से अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप चीजों के पीछे दौड़ना बंद कर दोगे और जो आपके पास है उसको देखने का नजरिया बदल दोगे तो आप बिना कोई रीजन के खुश रह पाएंगे। रिसर्च से ये पता चला है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर फर्क इससे पड़ता है कि आप वो सिचुएशन को कैसे देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप सोचते हो कि मेरी अगर हाइट लंबी हो तो ही मुझे लोग पसंद करेंगे और उससे ही मुझे खुशी मिलेगी। यानी कि जब तक ये हाइट आप अचीव नहीं कर लो तब तक आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमने खुशी का एक लेवल सेट किया हुआ है, यानी कि हम सोचते हैं कि जब तक वो लेवल अचीव नहीं हो जाता तब तक हमें खुशी नहीं मिल सकती। सो हम ये सोच को कैसे बदले, कैसे हमारे माइंड को चेंज करें? ऑथर ने इस बुक में 21 हैबिट बताई है जिसमें से आज हम 7 इंपॉर्टेंट हैबिट्स को जानने वाले हैं जिसे सीख के आप बिना कोई रीजन के भी हैप्पी रह सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं वो हैबिट को। हैबिट नंबर 1, लुक फॉर द लेसन एंड द गिफ्ट। जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तब हमें वो घटना के लिए दूसरों को ब्लेमिंग नहीं करना चाहिए, पर ये सोचना चाहिए कि ये यूनिवर्स, ये विश्व शक्ति आपके साथ है, ये विश्व शक्ति आपको सपोर्ट करती है, और वो घटना या फेलियर को इस नजरिए से देखना चाहिए कि इसमें से क्या मुझे नया सीखने को मिला है और जो गलती आपने की है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर दूसरों को ब्लेमिंग करेंगे तो अनहैप्पीनेस ही आपको मिलेगी, पर अगर आप वो सिचुएशन में से कुछ सीखने का नजरिया रखोगे तो वो आपके लिए गिफ्ट ही बन जाएगा और उससे आप भी हैप्पी रहोगे। हैबिट नंबर 2, क्वेश्चंस योर थॉट्स। हमारा माइंड बचपन से ही इस तरह से ट्रेन हुआ है कि किसी भी नेगेटिव बात या थॉट्स पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। हमारी डेली लाइफ में 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके माइंड में जो भी थॉट्स आए उस पर बिलीव करना ही है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो हर बार सही नहीं हो सकता है। खुश मिजाजी लोग अपने नेगेटिव और बुरे थॉट्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग सिर्फ पॉजिटिव बातों पर ही फोकस रखते हैं। इसीलिए आज से नेगेटिव थॉट्स पे फोकस देने की जगह पॉजिटिव थॉट्स पे ही फोकस करें, जिससे आप खुशी महसूस करोगे। हैबिट नंबर 3, फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड। दुनिया के हर एक लोग फेलियर, फियर और बुरी सिचुएशन को फेस करते हैं, और खुश मिजाजी लोग भी यही सिचुएशन का सामना करते हैं, पर खुश मिजाजी लोग वो सिचुएशन में प्रेम और ग्रेटिट्यूड ही फील करते हैं। आज से आने वाले एक महीने के हर एक दिन रात को सोते टाइम ये एक्सरसाइज करनी है। सोने से पूर्व ये विजुलाइज करना है कि पूरी दिनचर्या में से 5 ऐसी कौन सी घटना या चीज आपके साथ हुई है जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। ये एक्सरसाइज को हर दिन करें और फिर देखें आपकी लाइफ किस तरह से सकारात्मक और हैप्पीनेस से भरपूर बन जाएगी। हैबिट नंबर 4, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। कई बार जिसने आपके साथ बुरा किया हो उसको माफ कर देना आपके लिए आसान नहीं होता है, और जब तक आप उसको माफ नहीं करते तब तक आपके मन में उसके प्रति एक नकारात्मक भाव ही रह जाता है, और जब जब हम उसके बारे में सोचते हैं तब हमारा मूड बिगड़ जाता है। इसीलिए अगर हम उसको माफ कर देते हैं तो वो नकारात्मक भाव हमारे माइंड से दूर हो जाता है, जिससे हमारा माइंड भी शांत और खुश रह सकता है। हैबिट नंबर 5, फाइंड योर पैशन।
सबकी लाइफ में ज्यादातर यही होता है कि हम लोग दिल से कुछ और बनना चाहते हैं और करते कुछ और हैं। इसीलिए हमें क्लियरली डिसाइड करना होगा कि हम लाइफ में क्या सचमुच अचीव करना चाहते हैं। स्टडीज से ये पता चला है कि जिसमें हमारा पैशन हो वो करने का जोश और जुनून हो और वो काम हम जोश लगन और जुनून के साथ करते हैं तब हम ज्यादा खुश हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। इसीलिए आप भी खुद का पैशन खोजिए और जो आपका पैशन हो वही काम करें। पैशन को कैसे खोजना है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है जिसको आप ऊपर शो हो रही लिंक पे जाके देख सकते हैं। हैबिट नंबर 6, स्प्रेड लविंग काइंडनेस। जब हम दूसरे लोगों की खुशी के बारे में सोचते हैं और वैसा काम करते हैं कि जिससे वो लोग को खुशी मिले तब इनडायरेक्टली उससे आपको भी खुशी मिलती है। एक एग्जाम्पल से ये बात को समझते हैं। एक महिला जो गंभीर रूप से लाइफ के प्रति हताश हो गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी वो सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए वो एक आध्यात्मिक गुरु के पास गई और उसने पूछा कि मैं ये सिचुएशन में से कैसे बाहर आऊं। तब वो गुरु ने वो महिला से कहा कि खुद की हाल की सिचुएशन के लिए खुद को दोष मत दो पर दूसरों की खुशी के बारे में सोचो, दूसरों के हैप्पीनेस के लिए प्रयास करो। और वो महिला ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने फैमिली फ्रेंड्स और नेबर के हैप्पीनेस के लिए विश करती थी। वो दिल से ये सोचती थी कि सब लोग को हैप्पीनेस मिले और यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन और जिसको वो जानती तक नहीं थी उन सबके लिए भी अच्छा सोचना स्टार्ट कर दिया। और कुछ टाइम बाद सचमुच वो महिला की लाइफ चेंज हो गई और वो डिप्रेशन में से बाहर आ गई, वापस हेल्दी और स्ट्रांग बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके माइंड में से अब सारी नेगेटिविटी जो दूसरों के बारे में थी वो दूर हो गई और उसकी जगह अब दूसरों के प्रति अच्छी भावना आ गई और इसी से ही वो महिला की लाइफ चेंज हो गई। तो इसीलिए आज से आप भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर दें। हैबिट नंबर 7, सी द वर्ल्ड एज योर फैमिली। हिंदू धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात ये पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे परिवार में हम किसी भी सदस्य का अहित हो ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते हैं और इसीलिए अगर हम ये पूरे विश्व को हमारा परिवार मानेंगे तो हम किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे। सो आपके आसपास के हर एक लोग के लिए अच्छा सोचे, फिर देखे आपकी लाइफ में हर पल आप कभी भी निराश नहीं होंगे, सदैव आप हंसी उल्लास से प्रसन्न रहोगे। दोस्तों, हैप्पी फॉर नो रीजन बुक के ये 7 हैबिट को अगर आप फॉलो करते हैं तो हम मानते हैं कि आप कभी भी लाइफ में निराशा का सामना नहीं करोगे और सदैव हैप्पी रहोगे। और भी इस बुक में काफी सारे हैबिट्स के बारे में बताया गया है जो हमारे लाइफ में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप ये बुक्स को रीड करना चाहते हो तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ये बुक को परचेज भी कर सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो में से लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढने में थोड़ी सी भी मदद मिले तो जरूर ये वीडियो को लाइक करें। जितनी लाइक्स आएगी मैं मानूंगा कि इतने लोगों को मैंने थोड़ी सी मदद की है और यही मेरा मोटिव है। अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे फोरम साइट पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।